नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो फ्लैट दिखाने जा रहा हूं ये काफ़ी बड़ी फ्लैट है, डुप्लेक्स फ्लैट है, पर मज़ा इसका ट्रिप्लेक्स का है। डुप्लेक्स फ्लैट में ट्रिप्लेक्स का मज़ा आएगा, कैसे आएगा मैं आपको बाद में दिखाता हूं। ये 4170 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, फुल्ली फर्निश्ड है। इंटीरियर जो इनका किया हुआ है काफ़ी हाई एंड इंटीरियर है। ये अपने फ्लैट में एंट्री किए, ये देख लीजिए, ये फोयर एरिया हो गया। ये अपने 20 फीट का लंबाई है, तो लेंथ जो 20 फीट का, अगर आपको कॉर्नर जो दिख रहा है आपको एल टाइप का, यहाँ भी आप सोफ़ा लगा सकते हैं आउटसाइडर के लिए, बैंकर्स के लिए, अपने ऑफिस बॉयज़ के लिए, मेरे जैसे आदमी के लिए, तो यहाँ भी अगर चाहेंगे तो आप सोफ़ा लगा लेंगे। इनका हॉल क्या है, एक एरिया काफ़ी बड़ी है। ये देखिए सामने डाइनिंग एरिया दिखा रहा है, ये अपने स्टेयर केस जो है ऊपर में पूरा इंटीरियर इनका मैं दिखा रहा हूँ, काफ़ी लग्जरी इंटीरियर किया हुआ है। सामने डाइनिंग एरिया इनका 10 सीटर का है, इनका इंटीरियर देख, ये स्टेयर से अपने 17th फ्लोर में जाएंगे, उसके ऊपर में फिर इनका रूम भी अपना है। लेफ्ट साइड में इनका किचन है, ओपन किचन इन्होंने बना कर रखा है, किचन भी काफ़ी बड़ी है, 12x7 का है। ये डाइनिंग एरिया देख लीजिए, डाइनिंग के सामने में बैल्कोनी था, ये इनका ड्राइंग एरिया आ गया, इसलिए उन्होंने वहाँ पर सोफ़ा लगाए नहीं है। ड्राइंग एरिया भी काफ़ी बड़ी है, ड्राइंग एरिया का साइज हो गया 19x10 का, 19x10। ये मैं ड्राइंग एरिया से जो व्यू है एक बार बाहर दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये बिल्डिंग का अंदर का भी हो गया, सामने ईएम बाईपास दिख रहा है, ये नीचे गार्डन दिख रहा था, इसमें कम्युनिटी हॉल, गेम्स रूम, जिम, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, ये टीवी कैबिनेट आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में एक्वेरियम था, राइट साइड में ये अपना इनका किचन आ गया। काफ़ी लोग काम कर रहे तो ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ किचन को। ये इनका एक बेडरूम आ गया, बेडरूम का साइज 12x12 का है, ये 14x11 का सॉरी, और ये बेडरूम इनका 12x10 का है, दोनों में अटैच टॉयलेट हैं। ये अपने बाहर निकल, अब अपने आगे 17th फ्लोर में, 17th फ्लोर में भी एंट्री है, 16th फ्लोर में एंट्री था, आप लिफ्ट से कहीं भी निकलेंगे आपको दोनों फ्लोर में एंट्री आ जाएगा। अब ये अपने 17th फ्लोर में जब अपने इंटर करते हैं तो उनका व्यू मैं दिखा रहा हूँ। ये अपने एक सोफ़ा रखे हुए हैं, इसको अपने फैमिली सीटिंग एरिया बोलते हैं। ये भी इस हॉल का भी जो लंबाई काफ़ी अच्छी है, मैं दिखाता हूँ, देख लीजिए इसका इंटीरियर पूरा, 16th फ्लोर बोल लीजिए, 17th फ्लोर बोल लीजिए, छत भी इन्होंने काफ़ी अच्छा इंटीरियर किया है। ये इनका ओपन टेरेस था, ओपन टेरेस को इन्होंने ग्लास से कवर करके जिम में कन्वर्ट कर दिया। मैं ट्राई कर रहा हूँ एक बार दिखाने के लिए आपको, ग्लास से बाहर से मैं बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ, व्यू काफ़ी अच्छा आता है इसका, इस फ्लैट का व्यू काफ़ी बढ़िया है। ये साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग है, ईस्ट डायगोनली है। ये अपने एक रूम में इंटर कर रहे हैं जो 12x10 का बेडरूम है, इसको अपने गेस्ट रूम में अपने गेस्ट रूम के हिसाब से यूज़ कर रहे हूँ। 12x10 का बेडरूम, इंटीरियर इनका भी देख लीजिए, 5.5 बेडरूम का फ्लैट है, इन्होंने 4.5 बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया वो भी मैं दिखाता हूँ। ये एक बेडरूम देख लीजिए, 2 बेडरूम नीचे था, इस बेडरूम में भी अटैच टॉयलेट है, इसका में भी, यहाँ से भी मैं बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ एक बार इंटीरियर आप इनका देख लीजिए। पूरी फ्लैट जो है ना काफ़ी लग्जरी इंटीरियर किया हुआ, हाई एंड इंटीरियर जिसको बोलते हैं वो किया हुआ है। सारे के सारे टॉयलेट में इनका क्यूबिकल बना हुआ है, इवन टॉयलेट में भी अपना इनका फॉल सीलिंग किया हुआ है। ये बाहर का व्यू देख लीजिए, ये ईएम बाईपास है, बाकी प्रोजेक्ट का कम्प्लेक्स के अंदर का व्यू था। अपने जब इससे बाहर निकले तो फिर अपने फैमिली सीटिंग एरिया हॉल में पहुंच गए, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ तो फैमिली सीटिंग एरिया है, 15x10 का है ये। ये अपने लेफ्ट साइड में आप आ गया आपका कॉमन टॉयलेट, राइट साइड में ये हाफ बेडरूम है जिसको इन्होंने ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया है, घर में बैठ के काम करने के लिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इसको स्टडी एरिया, स्टडी रूम की तरह से यूज़ हो पाएगा। ये हाफ बेडरूम हो गया, 2 बेडरूम नीचे देखे तो 1 बेडरूम उधर, हाफ बेडरूम इधर, ये एक बेडरूम इनका देखिए पूरी इंटीरियर किया हुआ। इस बेडरूम का भी जो साइज़ है 14x11 का, ठीक इसके नीचे वाला भी 14x11 का था, ये भी 14x11 का। मैं एक बार इंटीरियर जस्ट दिखा रहा हूँ आपको, ट्राई कर रहा हूँ दिखाने के लिए क्या किया हुआ इन्होंने,
थोड़ी सी वीडियो मेरी लंबी हो रही है, मेरे 2-2.5 मिनट की मेरी वीडियो होती है। 4170 स्क्वायर फीट का फ्लैट है ये, दो कार पार्किंग, दो सर्वेंट क्वार्टर, रूफ राइट इस फ्लैट के जितना, ये देख लीजिए इनका एक अटैच टॉयलेट, जितनी बड़ी फ्लैट है उतनी बड़ी उनकी छत भी आ गई। ये देखिए, ये एक बेडरूम था जिसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया पूरा का पूरा वार्डरूम, और ये जैकुजी में, तो एक बेडरूम को पूरा का पूरा जैकुजी में चेंज कर दिया उन्होंने, और जैकुजी इसमें भी काफ़ी इंटीरियर इन्होंने खर्चा किया। काफ़ी बड़ी फ्लैट है, मैंने बताया 5.5 बेडरूम को 4.5 बेडरूम में कन्वर्ट जो किया, ये एक बेडरूम को उन्होंने जैकुजी में यूज़ कर लिया। अब मैं एक बार आपको छत दिखा देता हूँ। 4170 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, दो पार्किंग है, दो सर्वेंट क्वार्टर है, 16 फ्लोर है, 17 फ्लोर है, ये देखिए छत आ गया। प्राइस इनका इंक्लूडिंग ऑल जो है 4.30 CR, 4,30,00,000 रुपया। लोकेशन हो गया ये आपका EM बाईपास गड़िया, लैंडमार्क हो गया पेप्सी फैक्ट्री। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।